डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूँगा? आमिर खान ने वक्त रहते अपनी फिल्म को फ्लॉप होने से बचाया, इस बारे में आमिर ने किया कौन से खुलासा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। दोस्तों, आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर चर्चा में है। कहा जा रहा है कि इसके प्री प्रोडक्शन काम से आमिर के करोड़ों डूबने से बच गए हैं। दरअसल ये फिल्म पहले 14 अप्रैल को साउथ सुपरस्टार केजीएफ चैप्टर 2 के साथ रिलीज होने वाली थी। यश इसमें नजर आए लेकिन आमिर ने फ्लॉप होने से बचा दिया। आमिर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी फिल्म अगर केजीएफ चैप्टर 2 के साथ रिलीज होती तो पक्का फ्लॉप हो जाती। आपको बता दें वो इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं ताकि फिल्म का बज बनाए रखे, और साथ ही शाहरुख खान का केमियो कराया गया फिल्म में। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को थिएटर में रिलीज हो रही है और सीधे टकराने वाली है अक्षय कुमार की रक्षाबंधन से। वैसे आमिर अपनी फिल्म की रिलीज डेट कई बार चेंज कर चुके हैं। पहले ये फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर रिलीज हो रही थी, फिर 14 अप्रैल को लेकिन टाल दिया गया ताकि बॉक्स ऑफिस में कोई गड़बड़ी ना आए। 14 अप्रैल को यश की केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई और इसने तहलका मचा दिया। यहाँ तक कि हिंदी बेल्ट में भी इसने अच्छा खासा कलेक्शन किया। लाल सिंह चड्ढा की बात करें तो 180 करोड़ का बजट है और आमिर के सर में बहुत बड़ी टेंशन है क्योंकि इसके ट्रेलर को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि आमिर खान बस बनाए रखने के लिए एक और ट्रेलर रिलीज करेंगे। यह फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक है, इसे अद्वैत चंदन ने डायरेक्ट किया है और करीना कपूर खान इसमें नजर आएंगी आमिर के ऑपोजिट। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है लाल सिंह चड्ढा का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।